Search Tayo the Little Bus on YouTube. से काम कर रहा है। जल्दी से काम खत्म हो जाए तो मैं गार्डियन एक्स की मूवी देखूं। एक मिनट रुकिए। कैसे हैं? गार्डियन एक्स यहाँ। विश्वास नहीं होता कि आप मेरे सामने हो। तुम्हें रोकने के लिए माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं, मुझे हीरो स्टूडियोज जाना है। तुम्हें पता है कि कहाँ है? हाँ पता है, सीधे चौराहे पे जाइए, फिर दाहिने मुड़ी और सीधे जाइए। वाह, गार्डियन एक्स मुझसे बात कर रहे हैं, ये जरूर सपना है। बहुत मजा किया हो। तुम्हारा नाम क्या है छोटी ट्रेन? जी डीजल है। बहुत बहुत शुक्रिया डीजल। एक मिनट, वो मुझे एक काम है आपसे। काम? अपना काम पूरा करने के बाद डीजल वापस चूचू टाउन जा रहा है। अरे ये तो टीटीपो है। टीटीपो, कैसे हो दोस्त? हेलो। जरा मुझे देखो, क्या मुझमें कुछ अलग दिखाई दे रहा है? तुम्हारे चेहरे पर जो धूल है उससे लगता है तुमने कोयला खींचा। धूल को छोड़ो, जरा मेरी साइड में तो देखो। साइड? ये तो गार्डियन एक्स का ऑटोग्राफ है। ये तुम्हें कैसे मिला? मैंने उसे रास्ता बताया और उसने मुझे ऑटोग्राफ दिया। वाह, तुम कितने लकी हो। हाँ, मैं बहुत लकी हूँ। लेकिन जानते हो, ये तो मिट जाएगा जब तुम नहा कर आओगे। तो मैं कभी नहीं नहाऊंगा। ये मेरा सबसे बड़ा खजाना है, मैं जल्दी जाकर सबको दिखाना चाहता हूँ। लेकिन डीजल, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। लेकिन काम पर तो उसे साफ सुथरा ही जाना पड़े। डीजल का खजाना। हा? ये आवाज कैसी है? ओ, छोटी ट्रेन्स फिल्म देख रही है। बचो यहाँ से। शायद गार्डियन एक्स वहाँ से सबको बचा कर ले जाएगा। ये बिल्डिंग धमाके से नीचे गिरने वाली है। आ गए, डरने की जरूरत नहीं, अब तुम सुरक्षित हो दोस्त। ये सबसे शक्तिशाली है। वाह, गार्डियन एक्स। अगला दिन शुरू हो चुका है। डीजल हमेशा की तरह मेहनत से काम कर रहा है। जल्दी से काम खत्म हो जाए तो मैं गार्डियन एक्स की मूवी देखूं। एक मिनट रुकिए। कैसे हैं? गार्डियन एक्स यहाँ। विश्वास नहीं होता कि आप मेरे सामने हो। तुम्हें रोकने के लिए माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं, मुझे हीरो स्टूडियोज जाना है। तुम्हें पता है कि कहाँ है? हाँ पता है, सीधे चौराहे पे जाइए, फिर दाहिने मुड़ी और सीधे जाइए। वाह, गार्डियन एक्स मुझसे बात कर रहे हैं, ये जरूर सपना है। बहुत मजा किया हो। तुम्हारा नाम क्या है छोटी ट्रेन? जी डीजल है। बहुत बहुत शुक्रिया डीजल। एक मिनट, वो मुझे एक काम है आपसे। काम? अपना काम पूरा करने के बाद डीजल वापस चूचू टाउन जा रहा है। अरे ये तो टीटीपो है। टीटीपो, कैसे हो दोस्त? हेलो। जरा मुझे देखो, क्या मुझमें कुछ अलग दिखाई दे रहा है? तुम्हारे चेहरे पर जो धूल है उससे लगता है तुमने कोयला खींचा। धूल को छोड़ो, जरा मेरी साइड में तो देखो। साइड? ये तो गार्डियन एक्स का ऑटोग्राफ है। ये तुम्हें कैसे मिला? मैंने उसे रास्ता बताया और उसने मुझे ऑटोग्राफ दिया। वाह, तुम कितने लकी हो। हाँ, मैं बहुत लकी हूँ। लेकिन जानते हो, ये तो मिट जाएगा जब तुम नहा कर आओगे। तो मैं कभी नहीं नहाऊंगा। ये मेरा सबसे बड़ा खजाना है, मैं जल्दी जाकर सबको दिखाना चाहता हूँ। लेकिन डीजल, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। लेकिन काम पर तो उसे साफ सुथरा ही जाना पड़ेगा। डीजल ने अपने हर दोस्त को गार्डियन एक्स के ऑटोग्राफ दिखाए। हाय जीनी, जानती हो आज मैं गार्डियन एक्स से मिला। गार्डियन एक्स से मिले? वाव, तुम्हें गार्डियन एक्स के ऑटोग्राफ मिले। कितना मस्त है ना।
हाँ अगर आज मैं नहीं होता ना तो गार्डियन एक शूटिंग पे नहीं पहुंच पाता। अच्छा तुमने कमाल कर दिया डीजल। उसने थैंक यू कहते हुए मुझे ऑटोग्राफ दिया है। ये देखो मस्त है ना। ये तो साफ पता चल रहा है कि मैं नहाया नहीं हूँ। अगर मिस्टर हब ने मुझे ऐसे देख लिया तो तुरंत मुझे नहाने के लिए भेज देंगे। डीजल कितनी बार कहा है कि काम पर जाने से पहले नहाया करो। अब मैं क्या करूं? मैं सुबह जल्दी उठूंगा और मिस्टर हब से बचकर निकल जाऊंगा। कितना समझदार हूँ मैं। चूचू शहर में एक नई सुबह की शुरुआत और डीजल चुपके से काम के लिए निकल रहा है। मैं आवाज किए बिना जाता हूँ। चुपचाप चुपचाप। तरकीब कामयाब हो गई। गुड मॉर्निंग। आज जल्दी आ गए डीजल। बिल्कुल। तो आज मैं क्या ले जा रहा हूँ? आज तुम्हें यहाँ से खाद के बोरे ले जाने हैं। ठीक है। वो ऑटोग्राफ। तुम्हें पता है क्या? क्या? मेरे पास कुछ मस्त है, देखकर हैरान हो जाओगे तुम। बिना बताए पीछे मत आओ। क्या तुम ठीक हो डीजल? मैं ठीक हूँ। ये बदबू कैसी आ रही है? खाद के कुछ बोरे फट गए हैं। खाद में बहुत बदबू होती है। डीजल तुम काम के बाद नहा लेना। पर क्या बिना नहाए मेरा काम नहीं चल सकता? ऑटोग्राफ। यहाँ इस तरफ खाद आ गई है। तुम में से बदबू आ रही है। आज तुम इतने गंदे क्यों हो डीजल? माफ कीजिए। काम के बाद तुम्हें सीधा नहाने के लिए जाना होगा। अब मैं क्या करूं? कितना प्यारा पपी है। अरे मेरे ऊपर नहीं। गंदा पपी। मैं नहा भी नहीं सकता हूँ। क्या करूं मैं अब? टिटीपो। पूरी तरह गंदा होने के बाद डीजल चूचू टाउन पहुंचा। हाय दोस्तों। हेलो डीजल। तुम ऑटोग्राफ फिर से देखोगे? नहीं शुक्रिया। अरे पर ये गार्डियन एक्स का ऑटोग्राफ है, देखो तो सही। तुम तुमसे बदबू आ रही है। क्या सच में बदबू आ रही है? हाँ। ठीक है फिर मैं नहा ही लेता हूँ। बिल्कुल सही फैसला लिया तुमने। हम ट्रेन वॉश तक तुम्हारे साथ चलते हैं। टीटीपो और जीनी डीजल को ट्रेन वॉश ले गए। ठीक है। तुम अंदर जाओ डीजल। तुम साफ हो जाओ फिर खेलने चलेंगे। ठीक है। कितनी ट्रेन के पास मेरा ऑटोग्राफ है? सिर्फ तुम्हारे पास डीजल। मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मैं गार्डियन एक्स का ऑटोग्राफ नहीं मिटाऊंगा। मैं नहीं नहाऊंगा। टीटीपो और जीनी को अपने दोस्त डीजल की बहुत चिंता हो रही है। समझ नहीं आता, अगर वो नहीं नहाएगा तो बदबू बढ़ती जाएगी। बिल्कुल ठीक। ये ठीक रहेगा, लगता है आज जरूर बरसात होगी। टीटीपो हम डीजल के साथ पिकनिक पर चलते हैं। पिकनिक? लेकिन आज बरसात होगी। वही तो, अगर उस पर बरसात हो जाए तो वो अपने आप साफ हो जाएगा। वाह जीनी तुम बहुत समझदार हो। चलो अच्छा किया कि मैं नहाया नहीं। गार्डियन एक्स का ऑटोग्राफ ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। देखो मैं नहाने वाला नहीं हूँ। हम यहाँ इसलिए नहीं आए डीजल, हम पिकनिक पर चलते हैं। पिकनिक? ठीक रहेगा। बढ़िया। छोटी रेलगाड़ियाँ घूमने जा रही हैं। बादल घिरे हुए हैं, लगता है आज बारिश होगी। ऐसा कुछ नहीं है, चिंता मत करो। ठीक कहा, वैसे भी हम पहुँचने वाले हैं। देखो बारिश हो गई, जल्दी से चूचू टाउन चलते हैं। लेकिन क्यों? क्या तुम्हें बरसात अच्छी नहीं लग रही है? हाँ बिल्कुल, मजा आ रहा है।
मजा आ रहा है? हाँ वैसे मजा आ तो रहा है। अरे नहीं, गार्डियन एक्स का ऑटोग्राफ धुलकर मिट रहा है। बारिश रुक गई। डीजल, तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा? ओ, इस बारे में? फिर से साफ होकर। मेरा ऑटोग्राफ। दोस्तों बताओ, क्या वो अब भी मुझ पर है? ओ, नहीं, वो धुल गया। क्या? लेकिन अच्छा ये हुआ कि तुम साफ हो गए और तुमसे बदबू नहीं आ रही। ऑटोग्राफ धुल गया। तुम दोनों जानते थे कि बारिश होगी और चालाकी से मुझे यहाँ ले आए तुम। हम तुम्हारा भला चाहते थे, लेकिन तुमने ठीक नहीं किया मेरे साथ। डीजल, डीजल हमसे बहुत नाराज है। बुरा लग रहा है। हम किसी तरीके से उसे फिर से ऑटोग्राफ नहीं दिलवा सकते? हाँ, मुझे एक आइडिया आया। हाँ? अगर हम उस स्टूडियो में जाएं जो डीजल ने बताया था, तो हम गार्डियन एक्स से मिल सकते हैं। जो हुआ वो बताकर हम फिर से ऑटोग्राफ ले लेंगे। अच्छा आइडिया है, तो अभी चलते हैं। ठीक है। डीजल, डीजल, चलो बाहर आ जाओ। क्यों आऊँ मैं अब? तुम्हारी वजह से मेरा सबसे कीमती खजाना चला गया। डीजल, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। बाहर नहीं आए तो बाद में पछताओगे। डीजल, अरे बाहर तो आओ। टीटीपो, मुझे पता है कि तुम गार्डियन एक्स की आवाज निकाल रहे हो। ठीक है, मैं तुमसे मिलने आया था, पर चलो अब वापस चला जाता हूँ। क्या ये सच में गार्डियन एक्स होगा? डीजल, गार्डियन एक्स, क्या हाल है दोस्त, फिर मिल गए हम। जानता हूँ मैं नकली अच्छी करता हूँ, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं। चुप। डीजल, सुना मेरा ऑटोग्राफ मिट गया है? वो मेरा अनमोल खजाना था। अरे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ तुम्हारे लिए, ये लो। उम्मीद है ये तुम्हारे पास ज्यादा वक्त तक रहेगा। गार्डियन एक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे शुक्रिया मत कहो, शुक्रिया तुम्हें अपने दोस्तों का करना चाहिए। दोस्तों का? तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए एक और ऑटोग्राफ लेने आए थे। टीटी पो और जीनी ने पूरा दिन मेरी शूटिंग खत्म होने का इंतजार किया। इसीलिए यहाँ पर आए आप। शुक्रिया दोस्तों, मेरे लिए कितना सोचते हो तुम। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। हम खुश हैं क्योंकि तुम खुश हो डीजल। तो यहाँ आने के लिए शुक्रिया गार्डियन एक्स, क्या मुझे ऑटोग्राफ दोगे? क्या? अपने दोस्तों की वजह से डीजल को एक नया खजाना मिला। मुबारक हो डीजल। डीजल की पुरानी मालगाड़ी। सुबह हो चुकी है और डीजल काम पर जाने की तैयारी कर रहा है। हाय लोको। हेलो, गुड मॉर्निंग। तुम भी काम पर जाने की तैयारी कर रहे हो? हाँ। क्या बात है, बहुत ही खुश नजर आ रहे हो तुम। मैं हूँ असल में लोको। मैं तुम्हारी माल बोगियाँ ले आया। वाह, नई चमकती माल बोगी। अच्छी लगी ना? ओ? इसीलिए तुम इतने खुश हो। तो कहाँ से मिली तुम्हें ये माल बोगी? असल में मेरे पास जो पहले बोगियाँ थी वो टूट रही थी, तो मुझे नई वाली मिल गई। मिस्टर हर्ब ने दिलवाई है मुझे ये। अब मैं काम पर निकलता हूँ। बाय, फिर मिलेंगे। डीजल, बोलो। आज के लिए तुम्हारी माल बोगियाँ तैयार हैं। शुक्रिया सेटर। मेरी कितनी पुरानी है। तुम्हारा दिन अच्छा बीते डीजल। ठीक है। लोको कितना किस्मत वाला है, मुझे भी नई माल बोगी की जरूरत है। हाय मिस्टर हर्ब। ओ डीजल, ठीक समय पर पहुंच गए। मिस्टर हर्ब, आपको नहीं लगता कि मेरी मालबोगी टूट फूट गई है? टूट फूट? लोगों को नई मालबोगियां मिल गई हैं, अब मुझे भी चाहिए सर। डीजल, पिछली बार तुम्हारी बोगियों की जांच करने पर हमें उनमें कोई कमी नहीं लगी। मुझे नहीं लगता फिलहाल उन्हें बदलने की जरूरत है। नहीं, जरूरत तो है, आप जरा ध्यान से देखिए ना। देखता हूँ, इन्हें बदलने के बजाय इन्हें सफाई की जरूरत है।
नई बोगियां लेने के बजाय तुम्हें इन्हीं का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि इन्हें साफ रखो, सोने जाने से पहले तुम्हें इन्हें धोना चाहिए, लेकिन तुम भूल जाते हो। नई माल बोगियों के लिए कहा तो इतना सारा भाषण सुना दिया। उस रात नई माल बोगियों के बारे में सोचकर डीजल को नींद ही नहीं आई। मुझे भी नई माल बोगियां चाहिए, कोई ना कोई तरीका तो होगा ही। असल में मेरे पास जो पहले बोगियां थी वो टूट रही थी, तो मुझे नई वाली मिल गई। मिस्टर हर्ब ने दिलवाई है मुझे ये। अगर मेरी माल बोगी टूट जाए तो मुझे नई मिल जाएगी। डीजल, मैंने देखा तुम्हारी बोगियां खराब हो गई हैं। टन टन, तुम्हें नई बोगियां दे रहा हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, चमक रही है। ऐसा ही करूंगा, मेरी अकल का जवाब नहीं है। अगले दिन डीजल अपनी माल बोगियों को लेकर निकल पड़ा। ठीक है, अब मैं प्लान शुरू करता हूँ। मोड़ आ गया। तेज। बस थोड़ी देर और, अब छोड़ता हूँ। हो गया। इस तरह से इन्हें तोड़ना आसान नहीं होगा। अगर मैं कहूँ कि मेरी माल बोगी खो गई तो? कोई बात नहीं डीजल, मेरे पास बहुत बढ़िया माल बोगी है जो तुम्हारे साथ बहुत अच्छी लगेंगी। वाह, कितना बढ़िया आइडिया है। हे, टीटीपो खड़ा है। हाय टीटीपो। ओ डीजल। हाँ, ये डीजल है। हेलो। हेलो, कैसे हो तुम? बढ़िया। ओ, तुम जरूर डीजल होगे। मैंने तुम्हें बहुत याद किया डीजल। ओ, एक दूसरे को कैसे जानते हो? हाँ, बहुत समय पहले डीजल ने मेरी मदद की थी। डीजल ने? हाँ, मेरी मम्मी और मैं ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन गए थे। ओ, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? मेरी मम्मी खो गई। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मम्मी को ढूंढ दूंगा। आप ढूंढोगे? हाँ, आओ बैठ जाओ। ठीक है, तब मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया डीजल। अरे कोई नहीं। वाह, सुनकर अच्छा लगा डीजल। अरे हाँ डीजल, मैंने तुम्हारी बोगी पर जो स्टिकर लगाया था वो अब भी है। स्टिकर? ओ, क्या ये है? अरे वाह। बहुत प्यारा है। तुमने अब तक लगाया है? क्योंकि ये तुम्हारी तरफ से एक तोहफा था। ओ, दोस्ती का स्टिकर, किस्मत वाले हो। तो तुम्हें जलन हो रही है, ये स्टिकर बहुत प्यारा है और मेरे पास है। मैं अब चलता हूँ, मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा डीजल। आओ चले। बाय, फिर मिलेंगे। हमें भी चलना चाहिए। ठीक है। मुझे अभी याद आया, एक बार तुमने भी मुझे बचाया था। वो निशान क्या अब भी तुम पर है? निशान? कौन सा निशान? मैं देखता हूँ। ये रहा, मिल गया मुझे। क्या मिल गया तुम्हें? जिस जगह तुम पर चट्टान गिरी थी, वो निशान। ला 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 ला। ओ, ध्यान से। तुम ठीक तो हो टीटीपो? उस दिन तुम मुझे नहीं बचाते तो मुझे कुछ भी हो सकता था। अरे हाँ, याद आया। शायद मैंने तुम्हारी जान बचाई थी टीटीपो। तुमने नहीं डीजल, तुम्हारी मालगाड़ी ने बचाई थी। शुक्रिया मालगाड़ी। ये क्या कह रहे हो? ये तो कोई बात नहीं हुई। मजाक कर रहा हूँ। जो तुमने किया वो कभी नहीं भूल सकता। भूलना चाहिए भी नहीं। टीटीपो, टीटीपो। टीटीपो से अलग होने के बाद डीजल सामान लेने के लिए बंदरगाह आया। और क्या हाल है डीजल? मैं बढ़िया हूँ क्रेनी। क्या हुआ, उदास क्यों हो? क्रेनी,
मेरी माल बोगियाँ पुरानी हो गई है ना? देखता हूँ। ओ, वो निशान। क्या चीज? वाह! देखो वो निशान अब भी है। मुझ पर निशान है? हाँ, जब तुमने काम करना शुरू किया था तब लगे थे ये निशान, याद है तुम्हें? ये निशान पहली बार काम करते हुए लगे थे? हाँ बिल्कुल सही। रख रहा हूँ, रख रहा हूँ, रख दिया। और ये और रख रहा। मुझे चलना चाहिए। वाओ, नहीं हिलो मत। अरे नहीं, मेरी माल बोगी। जब तक मैं सामान न रख दूं तुम्हें नहीं चलना चाहिए। माफी चाहता हूँ मैं। तब के मुकाबले तुम अब बहुत ही अच्छा काम करते हो डीजल। पर मेरी बहुत कम तारीफ की तुमने तो। काम के बाद डीजल अपनी माल बोगियां छोड़ने के लिए एक सुनसान जगह पर आया। वाह, ये जगह बिल्कुल ठीक रहेगी। हाँ, अब तुमसे फिर नहीं मिलूंगा पुराने दोस्तों। अपनी माल बोगियां छोड़ने के बाद डीजल कुछ उदास सा हो गया। तुम्हारा शुक्रिया डीजल। तुम्हारे लिए। ओ, कोई बात नहीं प्यारे दोस्त। डीजल, तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल नए जैसा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डीजल। चिंता मत करो, जल्दी सब सीख जाओगे तुम। शुक्रिया। ठीक है। मैं अपने कीमती माल बोगियों को नहीं छोड़ सकता, इनसे मेरी यादें जुड़ी हैं। ओए, लोको। हाँ, डीजल, तुम यहाँ? तुम उदास लग रहे हो। हाँ, काम करते हुए मेरी बोगियों में स्क्रैच पड़ गया। अरे कोई बात नहीं, इतना ज्यादा परेशान मत हो लोको, क्योंकि ये सभी निशान बाद में तुम्हारे लिए यादें बन जाएंगे। यादें बन जाएंगी? विश्वास करो मेरा। कुछ गड़बड़ है। डीजल, तुम्हारी एक बोगी टूट गई है। क्या टूट गई? तुम्हें अभी टीओ के पास जाना चाहिए। डीजल और लोको डीजल की माल बोगी ठीक करवाने के लिए टीओ के पास गए। शायद मैंने पहले इन्हें तोड़ने की कोशिश की थी। डीजल, मैंने अच्छी तरह से जांच की है, तुम्हारी माल बोगियां ठीक हो जाएंगी। सच कह रहे हो? ये तो अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारी बोगियां बहुत पुरानी हो गई हैं। तुम चाहो तो मैं इन्हें बदल दूं? नहीं, ऐसा मत करना, मैं इन्हें कभी भी नहीं बदलवाऊंगा। डीजल, सुबह तो तुम कह रहे थे तुम्हें नई बोगियां चाहिए। ना, अभी नहीं चाहिए मुझे। मेरे लिए मेरी पुरानी माल बोगी दुनिया में सबसे अच्छी है। डीजल, मैंने सब ठीक कर दिया, इन्हें जोड़ कर देखो। ठीक है। इनको लेकर एक चक्कर काट आओ डीजल। मैं जानता था मेरी पुरानी माल बोगी मेरे लिए सबसे अच्छी है। अपनी माल बोगियां ठीक करवाने के बाद डीजल फिर से पटरी पर दौड़ रहा है। मजे करो डीजल। डीजल के लिए एक खास दिन। जूजू शहर में बर्फबारी हो रही है। वाव, बर्फ गिर रही है। हाय डीजल। ओ, हाय टीटीपो, मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस, कल हम सब क्रिसमस मनाएंगे। ये पता नहीं कल मुझे क्या तोहफा मिलेगा। तोहफा? तुम्हें कोई तोहफा मिलेगा भी? तुम कहना क्या चाहते हो? ये तो सभी जानते हैं, सिर्फ अच्छी रेलगाड़ियों को तोहफे मिलते हैं। क्या बोले? मुझे जाना है, बाद में मिलते हैं डीजल। रुको जरा, ये मजाक की बात नहीं है टीटीपो। डीजल। ओ जी मिस्टर हब। याद है ना आज तुम्हें जांच के लिए जाना है? जी सर। तो अभी जाओ और इस काम को भी निपटा दो। जी सर। डीजल अपनी जांच करवाने के लिए प्रोडक्शन प्लांट जा रहा है। तो उसे लगता है कि मुझे कोई प्रेजेंट ही नहीं मिलेगा।
बे, उसे क्या पता? हेलो डीजल, क्या तुम नहाए नहीं हो? नहीं, मेरे हिसाब से इतना ही साफ रहना चाहिए। सॉरी डीजल। डरा दिया तुमने। तुम हो डरपोक बिल्लू। डीजल, तंग करना बंद करो। शायद मुझे सच में प्रेजेंट नहीं मिलेगा। कैसे होती हो? तुम आ गए डीजल। आज तुम कुछ उदास से लग रहे हो। वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे प्रेजेंट नहीं मिलेगा। हाँ? क्यों? इस साल मैंने अच्छे काम नहीं किए ना, इसलिए। ऐसी बात नहीं है, इसकी इतनी चिंता मत करो डीजल। ठीक है। जांच के बाद डीजल वापस चूचू शहर जा रहा है। ओ, ये अजीब सी आवाज कैसी है? ओ, ये तो रेलगाड़ी जैसी लग रही है। ओ, पर ये तो उड़ रही है। विश्वास नहीं होता। ओ, ये नीचे आ रही है। चलकर देखता हूँ। खराब हो गया, इसको ठीक करने में समय लगेगा। अब क्या करें? माफ कीजिएगा, आप अभी आसमान में उड़ रहे थे, देखा मैंने। लगता है हम पकड़े गए। देखो, माफी चाहता हूँ, लेकिन हमारी मदद कर दोगे? क्या कहा, मदद? हमारा इंजन खराब हो गया है, क्या तुम हमें खींच कर ले जाओगे? मैं शुक्रगुजार रहूंगा। जरूर, मैं आपकी मदद करता हूँ। मैंने जोड़ लिया, अब आप बैठ जाइए। शुक्रिया। ठीक है, अब हम चलते हैं डीजल। ठीक है, हम चलते हैं। पर आपको मेरा नाम कैसे पता चला सर? पता करने के हमारे तरीके हैं। कंडक्टर के बताए हुए रास्ते पर चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया। हम बस पहुँचने ही वाले हैं। जी सर। ओ, दाहिनी तरफ मुड़ जाओ। दाहिनी तरफ? इतने घने जंगल में ये इमारत कैसी? वाह, ओह, कितनी ऊंची है। बाहर से तो बहुत छोटी लग रही थी ये। डीजल, बस यहीं रुक जाओ। ठीक है। वाह, कितने सारे कंटेनर्स रखे हैं। ये सब मुझे लेकर जाने थे, लेकिन इस हालत में कैसे ले जाऊंगा? आपकी जगह मैं ले जाता हूँ। ओह, कितने अच्छे हो। बहुत बहुत शुक्रिया डीजल। कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। ये एहसान नहीं भूलूंगा। अरे ऐसा मत कहिए। ठीक है, अब सामान रखना शुरू करते हैं। ठीक है। डीजल ने उनकी मदद करने का फैसला किया। टीटीपो टीटीपो। तो सर, हमें जाना कहाँ पर है? ओह, मैं तो बताना ही भूल गया, ये सब हमें आज रात तक नॉर्थ पोल तक पहुँचाने हैं। नॉर्थ पोल? हाँ बिल्कुल। अरे वो तो बहुत दूर है, हम समय पर नहीं पहुँच पाएंगे सर। तुम चिंता मत करो, मुझे तरीके पता हैं। तरीके? ये क्या हो रहा है? मैं उड़ रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ। मैं उड़ रहा हूँ। उड़ कर जाएंगे तो हम नॉर्थ पोल पर आज रात तक पहुँच जाएंगे। आप कौन हैं और आपने ऐसा कैसे किया? मैं उड़ने कैसे लगा? ये सब मत सोचो, नजारों का मजा लो। नजारे? वाव, कितना सुंदर है सब। अब इस रास्ते पर हवा की रफ्तार से चलो। ठीक है। डीजल उड़ता हुआ नॉर्थ पोल जा रहा है। वाह, वाह, कितना अच्छा है। डीजल जी, अब वापस नीचे की तरफ चलो। ठीक है।
वाह, तो तुम पहुंच गए। स्वागत है तुम्हारा। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। हम पहुंच गए सर। शाबाश डीजल। तो ये कौन सी जगह है सर? ये सेंटा विलेज है। क्या? हम यहाँ दुनिया के सभी सेंटास के लिए क्रिसमस प्रेजेंट्स लेकर आए हैं। ओह, ये तो कोई दूसरी ट्रेन है। ट्रेन खराब होने का सुना तो मुझे चिंता होने लगी, लेकिन ये ट्रेन वक्त पर हमारी मदद के लिए तैयार हो गई। ओह, ये सब वो प्रेजेंट्स हैं जो हमने बच्चों को क्रिसमस पर देने हैं। तुम्हारा शुक्रिया डीजल। कोई बात नहीं है। आपको मेरा नाम कैसे पता है सर? हम सेंटास को बच्चों का चेहरा देखकर उनका नाम पता चल जाता है। अच्छा। हमें बहुत दूर जाना है, इसलिए अब ये सारा सामान लेकर हम चलते हैं। जी ठीक कहा। अगले साल फिर मिलेंगे। गुड बाय। ध्यान से जाना मेरे दोस्तों। वो सारे गिफ्ट्स वहाँ उतार लिए गए और उनकी जगह डीजल के देश के बच्चों के लिए दूसरे गिफ्ट्स रख दिए गए। अब तुम जा सकते हो। ठीक है। गुड बाय, ध्यान से रहना। गुड बाय, अपना ध्यान रखना। डीजल, अब हमें चलना चाहिए। ठीक है, तो चलो वापस चलते हैं। मेरी क्रिसमस डीजल। फिर से ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर डीजल सांता विलेज से निकल पड़ा है। विश्वास नहीं हो रहा कि मैं क्रिसमस के तोहफे ले जा रहा हूँ। मुझे एक सवाल पूछना है। पूछ लो। क्या सिर्फ अच्छे बच्चों को ही सेंटा से क्रिसमस के तोहफे मिलते हैं? ऐसा ही है। मैं सबको इतना तंग क्यों करता हूँ? तुम सबके साथ मजाक करते हो, इसलिए तुम परेशान हो डीजल। ये हंसने की बात नहीं है सर। हम पहुंचने वाले हैं, अब वापस नीचे उतरना है। ठीक है। तुम बुरी तरह थक गए होगे डीजल। मैं ठीक हूँ, मुझे तो बहुत मजा आया इसमें। तुमने हमारी बहुत मदद की है। जो प्रेजेंट्स तुम खींच कर लाए हो वो आज रात अच्छे बच्चों तक पहुँच जाएंगे। कितने किस्मत वाले हैं वो बच्चे जिन्हें ये तोहफे मिलेंगे। चलिए फिर मैं अपने घर जाता हूँ अब। ओ, ओ। डीजल। वाह, सेंटा क्लॉस। तुम्हारी वजह से आज बच्चे बहुत खुश होने वाले हैं। शुक्रिया और मेरी क्रिसमस डीजल। आपको भी सेंटा, मेरी क्रिसमस। डीजल वापस चूचू शहर आ रहा है। ओह, बर्फ गिरने लगी। जिस समय डीजल घर पहुंचा, मिस्टर हर्ब्स सो चुके थे और हर तरफ सन्नाटा पसरा था। सब सो चुके हैं। मेरी क्रिसमस दोस्तों। पूरा दिन काम करने के बाद डीजल गहरी नींद में सो गया। चूचू टाउन में अगला दिन। डीजल, जल्दी से बाहर आओ। डीजल, आपने किया मिस्टर? बहुत ही प्यारा। मैंने नहीं बनाया। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। डीजल, बहुत देर से जागे तुम, देखो वहाँ क्या है। क्या देखूं? ये क्या है? बच्चों की खिलौना ट्रेन का सेट। वाह, कितना अच्छा है। किसने बनाया इसे? सवाल तो यही है। हो सकता है सांता ने हमारे लिए बनाया हो। हाँ, ऐसा हो सकता है।
ये खिलौने वाली ट्रेन का सेट डीजल और छोटी रेलगाड़ियों के लिए एक खास तोहफा है। सभी को मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस।